तब तक कुछ को मुहूर्त कर्म होता है, मैं कर्म का करता हूँ, मैंने ये किया ये किया ये कर रहा हूँ ये आगे करूँगा, ये जब तक अपने में कर्तृत्व की भ्रांति है तब तक कर्म से फल की उत्पत्ति होती है। जब कर्तृत्व की भ्रांति मिट जाती है तब कर्म से फल की उत्पत्ति नहीं होती। अब रही बात ये कि कौन सा ऐसा अच्छा कर्म है जो शास्त्रीय मातृदेव माता को देवता समझो, पितृदेव पिता को देवता समझो, आचार्य देव आचार्य को देवता समझो। अब शास्त्रोक्त कर्म का यदि जन्म ज्यादा नहीं समझते हो, गाय की सेवा करना भी कर्तव्य कर्म है, अच्छा जिनको अन्न नहीं मिल रहा है उनको अन्न पहुंचाना चाहे विनिमय के द्वारा भी पहुंचाना कि उनसे कुछ मिले, ये भी मनुष्य का कर्तव्य है। क्षत्रिय का कर्तव्य जो है वो रक्षा है, रक्षा है तो वो भी एक कर्तव्य है। ब्राह्मण का कर्म पढ़ना लिखना है तो वो भी एक कर्तव्य है। तो लौकिक व्यवहार में भी जो कर्म है उनका शास्त्र में आदेश तो है ही है, इसलिए उनको भी यदि कर्तृत्व पूर्वक करेंगे तो अपूर्व की उत्पत्ति होगी। मैंने ये किया ये बात अपना कर्म में अपूर्व बैठ जाएगा या तो कर्ता के साथ बैठ जाएगा। इसी बात को दोनों बड़ा पानी है कि अपना कर्म में अपूर्व रहता है अथवा कर्ता में अपूर्व रहता है। तो जब तक तत्व ज्ञान होगा कि कर्तृत्व का बात नहीं हो जाता, माने मिथ्यात्मे न कर्तृत्व का निश्चय नहीं हो जाता, तब तक कर्म अपना फल उत्पन्न करेंगे। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका कोई फल नहीं होता है, जैसे शरीर में खुजली हो और हाथ से उसको खुजला है तो वो जो अंग कठोरियत है उसके द्वारा आप किसी अपूर्व की उत्पत्ति नहीं होती। ऐसे और भी बहुत से काम हैं जो होते रहते हैं अपने आप, पर कर्ता फल का भाव नहीं आता है। अब कर्तव्य कर्म के संबंध में जो आपने भूमिका ग्रहण की, जैसे पुलिस के सिपाही जवान ने अपने को बनाया, अब यदि आप चौराहे पर खड़े हैं और वहाँ जो यातायात के नियंत्रण आपका कर्तव्य है उसको यदि नहीं करेंगे तो आपको जरूर दोष करेंगे। आपने अपने को एक रूप में मैं स्वीकार किया, शूद्रमय है, वैश्यमय है, क्षत्रियमय है, ब्राह्मणमय है, ब्रह्मचारीमय है, और प्रवचन के विरुद्ध करेगा तो उसको जरूर अपूर्व की उत्पत्ति होगी और पास करेगा। गृहस्थ आश्रम में क्या करके गृहस्थ आश्रम में जैसे काम करते हैं उनके विपरीत करेगा, जिनको पर नारी और हिंसा आदि प्रवृत्त होगा तो उसके अपूर्व उत्पन्न होकर के उसको प्राप्त करेगा। और वानप्रस्थ आश्रम में रह के यदि अपने को मारे वानप्रस्थ और काम करे गृहस्थ का या काम करे सन्यासी का, गृहस्थ अपने को माने और काम करे सन्यासी का और सन्यासी अपने को माने और काम करे गृहस्थ का, तो वो कर्तृत्व पूर्वक होगा और उससे अपूर्व की उत्पत्ति होगी। इसलिए आप जहाँ अपने मैं को स्थापित करके बैठे हैं संस्कार रूपक या बिना संस्कार के, जहाँ आपने अपना मैं स्थापित करके उस मैं के अनुसार यदि काम नहीं करेंगे तो आप प्रत्यवाय के हमारे दोष के अपराध के भजन बनेंगे। और यदि उसके अनुसार काम करते हैं तो स्वर्ग और ब्रह्मलोक मिले कि न मिले आपका इसी जीवन में निष्ठ
सच्चाई सत्य का आपको साक्षात्कार होगा, नहीं तो अंत नहीं कहीं वृत्ति बस झूठ के चक्कर में पड़े हुए इधर उधर भाग रहे हैं। उसका सारा व्यवहार बुरा है। यहाँ तक भाई ये हमारी माँ है, ये किसी ने हमारे घर में पढ़ लिया है, ये हमारा बाप है, ये भी किसी ने कान में भर दिया है, न प्रत्यक्ष है न अनुमान है न उपमान है, केवल शब्द के द्वारा ये जल क्या ये सब ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा मकान है, ये तुम्हारी जाति है, ये तुम्हारी भाषा है, न जो शास्त्र के द्वारा अध्यारोपित है उसका तो शास्त्र अनुवाद करने से समर्थ है, और जो बिना शास्त्र के अपने मैं के साथ आपने जोड़ लिया है अब उसके लिए तो कोई शास्त्र भी क्या करे, क्योंकि वो तो आपने अपने मन से जोड़ा है, मन से छोड़ी है, तभी तो झूठ कहता है। और असुकृपा इंद्रियों की तृप्ति में लगे हुए हैं और उनके शास्त्र चरण भी उनको बस ये करो ये करो ये करो, संन्यास में तो काम में कर्म मात्र का ही त्याग कर दिया जाता है, परंतु गीता के भगवान जो है वो कहते हैं कि नहीं, जग दान पद का फल त्याग नहीं करना चाहिए, और जीवन में जैसे सूर्य यज्ञ कर रहा है, जैसे चंद्रमा यज्ञ कर रहा है, जैसे वायु प्राण दान कर रही है, ऐसा हमारा जीवन होवे कि सूर्यातन प्रकाश और आह्लाद का आदान करते हुए और आदान प्रदान करते हुए निरंतर विचरण करते रहते हैं, वैसा हमारा जीवन हो सबके लिए सुखकारी सबके लिए हितकारी। ये जो किसी एक से राग हो जाता है वो बड़ा दुखदायी पाप करवाता है, और जो किसी से द्वेष हो जाता है तब वो भी हिंसा करवाता है, पक्षपात करवाता है और कहीं क्रूरता करवाता है। इसलिए राग द्वेष से मुक्त होकर के हम अपने जो कर्तव्य कर्म है राग द्वेष युक्त इष्टु विषयान इंद्रियेषु चरन् आत्मवश्ये निरयात्मा प्रसाद विगच्छति प्रसाद सर्वदुःखानां आदिरस्यो जायते। जो कुछ करो प्रसन्न मुद्रा में करो, प्रसन्न हृदय से करो, और कलुषित हृदय से जो काम किया जाता है वही बिगड़ जाता है। और कर्तव्य जैसा मैं आपने धारण किया है, डॉक्टर बने हैं तो चिकित्सा कीजिए, सन्यासी बने हैं तो क्या करना कीजिए, गृहस्थ बने हैं तो गृहस्थ और गृहस्थ को भी कर्तव्य का पालन कीजिए, ये सब शास्त्रीय है। ऐसा कोई कर्म नहीं है जो शास्त्र के द्वारा किसी का कर्तव्य न हो और किसी के लिए कर्तव्य न हो। कर्म तो कर्म है, अनुशासन से ही उसमें कर्तव्यता कर्तव्यता आती है, और कर्म तो चाहे उठाता है अपने मित्र को जब पूछा काम में तो वो मुस्करा के उसका जवाब देता है, और शत्रु को जब हाथ जोड़ते हैं तो वो नाराज हो जाता है। तो ये कर्म में कुछ नहीं है, असल में भाव अपना पवित्र होना चाहिए।